नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के वीडियो मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक, और आज का दिनचर्या कैसे रहने वाली है, और आज के दिन आपको कैसे कार्य करना है, और आज के दिन आप सभी को किन किन चीजों से आपको लाभ मिलने वाली है, और किन किन चीजों से आपको सावधान रहना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरे अंत तक देखें, और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय समय पर मिल सके। आज के दिन शेयर कमोडिटी या किसी भी तरह का पुराने निवेश में फायदा होने की संभावना है। जमीन जायदाद से संबंधित निवेश करने के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहेंगे। घरेलू सुख सुविधाओं की वजह वस्तुएं जुटाएं से आप मग्न रहेंगे। प्रेम प्रसंग से आज के दिन काफी उम्दा रहने के आसार है। आपका समय प्रेमी से घंटों में बातचीत करने में गुजर सकते हैं। तनाव की वजह से सिर दर्द भी हो सकते हैं। अधिक काम करने से बचें और पूर्ण आराम लें। कार्य क्षेत्र में चलते आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं जो कि आपकी प्रशंसा में वृद्धि करने वाली हैं। जमीन जायदाद से जुड़ा बिजनेस में करने वाले व्यापारी आज बंधुओं के लिए अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। अपनी आर्थिक स्थिति उत्तम भी रहने की संभावना भी रहने वाली है। और आज के दिन हनुमान चालीसा का हनुमान अष्टक का भी पाठ कर लेने से आज के दिन आपके ऊपर सारे दुख और सारे कष्ट भी दूर होने वाले हैं। और आज आपका भाग्यशाली रंग रहने वाले हैं नीला, जो कि नीला रंग आज आपके लिए भी लकी साबित होंगे। यह रंग आज आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं। लाल रंग से भी बचने की भी जरूरत होगी, इससे रुकावटें भी पैदा कर सकते हैं। और आज आपका भाग्यशाली अंक रहने वाले हैं सात, जो आज के दिन के लिए आपको लिए सात सफलता दिलाने वाले हैं। किसी भी परेशानी से ना घबराएं। मुस्कुराहट चेहरे पर आभूषण बनाए रखने की भी आज के दिन आपके ऊपर जरूरत होने वाली है। आज के दिन आपके ध्यान में से पैसा और घरेलू मुद्दों पर भी होंगे। अपने कीमती वक्त को ऊर्जा और आज घर के मरम्मत में से निवीकरण के लिए बचाकर रखने होंगे। वाहन खरीदारी में भी आज आपके भाग्य में है। कार्यों या नौकरी में कोई भी व्यवधान ना आए, इसके लिए आपको नया सोचना यह होगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। आप किसी बड़े बलवान के लिए भी आज महसूस कर सकते हैं। उन लोगों के साथ में समय बिताना ना भूलें जो आपके धन के स्रोत में याद रखें। अगर आप मेहनत करते हैं तो जीत खुद के लिए अपना पीछे भी कर पाने में सक्षम भी होने वाले हैं। और आज के दिन मेष राशि वाले जातकों के लिए भी आज के दिन काफी खर्चीले रहेंगे। आज के दिन आप बहुत ही जरूरी कार्य में काफी धन खर्च भी कर सकते हैं। ऐसे करने से आपको खुशी भी होंगी। दिन के भागा दौड़ी लगी रहेंगी। काफी दिन में फंसे हुए किसी भी कार्य को पूरा करने में कोशिश में लगे रहेंगे। कारोबार में सिलसिले में बाहर आना जाना और होंगे। बाहर जाने से आपको सफलता प्राप्त होंगे। ज्यादा मेहनत करने से उपरांत की भी परिणाम अनुकूल नहीं होंगे। किसी को भी पैसा उधार ना दे, अन्यथा आपका पैसा भी फंस सकते हैं। कारोबारिक निर्णय सूझबूझ के साथ लेने होंगे, अन्यथा व्यापार में घाटा हो सकते हैं। नौकरी पैसा वर्क के लिए भी भागा दौड़ी भी भरा दिन रहने वाले हैं। सेल्स और मार्केटिंग के लोगों पर भी काम का भी दबाव ज्यादा रहने वाले हैं। इस वक्त में फेस्टिवल सीजन में से आज के दिन उनके काम के ऊपर ऊपरी काफी दबाव भी रहने की भी संभावनाएं रहने वाली हैं। घर में अभी आपके ध्यान और जरूरत है। आप धन को लेकर तंगी महसूस कर सकते हैं। अपने सभी निर्णयों में से पूरी तरह से रिसर्च करें। संचार अभी महत्वपूर्ण है। सावधानी से बोलें और सुने। पारिवारिक मामलों में व्यस्त रखने होंगे। बाकी का जीवन शांतिपूर्ण बीतने वाले हैं। साझेदारी सहयोग और कानूनी मामलों में नए प्राप्त भी नए मुकाम या दिशा बदलेंगे। आज के दिन कुछ ऐसा होने वाले हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। आपके नजदीकी लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। गलतियां को भी आज के दिन नजरअंदाज करना बहुत ही जरूरी होंगे। आज के दिन घर परिवार में मन मुठाव की गलत फहमियां को भी दूर रहने वाले हैं। अपने आपसी संबंधों में अहम की भावना में टकराव की स्थिति बन रही है।
ऐसा करने से बचने होंगे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत होगी। और आज के दिन ज्यादा भागा दौड़ के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकते हैं पैर में, और आज कोई कठोर या चोट लगने की भी आशंका है। सावधानी से चले और गाड़ी सावधानी से चलाने की जरूरत होंगे, क्योंकि दुर्घटना होने की पूरी पूरी संभावना है। कर्मचारियों के साथ में अच्छा व्यवहार भी, कार्यस्थल में, आप मंदिर में, और आज गुड़ का दान करने से आज आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां ही खुशियां रहने वाली हैं। दिल की बातें दिल ही जाने, ना कि कोई और, लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपने दिल की हर बात अपने साथी से शेयर करते हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री और एकदम परफेक्ट है, और यही का कारण है कि लोग आपसे मिसाल देते हैं। नए संबंध के लिहाज से आज के दिन अच्छा है। आपके ग्रह गोचर बदल रहे हैं, और यह बदलाव आपके दिन में रोमांचक बना देंगे। आज के दिन आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभदायक भी रहने वाले हैं। धन लाभ के साथ में अपने लंबी अवधि में धन आयोजन भी कर पाएंगे। अगर आप व्यापार से साथ में जुड़े हो तो उसके विस्तार की योजना बना पाने में आज के दिन आपके ऊपर सक्षम भी होने की भी पूरी पूरी संभावना है। आर्थिक और व्यावसायिक रूप से आज के दिन लाभदायक होने की संबंध गणेश जी बताते हैं। आर्थिक लाभ मिलेंगे, लंबे समय से वित्तीय आयोजन में भी कर सकेंगे। शारीरिक मन में स्वास्थ्य रहने वाले हैं। मित्रों के साथ में, परिवारजनों के साथ में, सदस्यों के साथ में खूब आनंद में दिन व्यतीत होंगे। अधिक लोगों के साथ में संपर्क में रहने के अवसर मिलने वाले हैं। और आज व्यापारिक गण के लिए उनके व्यापार में विस्तार में से आज आयोजन में कर सकेंगे। लोक हित के कार्य में आपके हाथ भी होने की पूरी पूरी संभावनाएं भी आज के दिन आपके ऊपर रहने वाली हैं। आपके अनिर्णय की स्थिति भी बिना बात की परेशानी पैदा हो सकती है। परिवार के साथ में जुड़े हुए रियल एस्टेट से जुड़े हुए मुद्दों पर आपको अब गंभीरता से लेने पर जरूरत है। आपको इनसे संबंधित कोई पत्र प्राप्त होंगे। पुराने अधूरे अनसुलझी बातें भी अब आपको परेशान करने वाले हैं। इन्हें सुलझाने बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप व्यक्तित्व में काफी आकर्षण और हैं। आपकी यही जादू बनाए रखना है। इसके लिए आपको बस नियमित रूप से व्यायाम और करना ही। आपका दिमाग में काफी तेज और सक्रिय है। अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान सावधान रहें। आपको अप्रयाशित रूप से कोई छोटी मोटी चोट भी आ सकती है। कोई भी पूर्ण नहीं है। या अगर आप अपने साथी से संतुष्ट हैं तो आपको बाहर किसी भी चीज में तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो आपके पास ही है। इच्छाओं के कोई भी अंत में नहीं है। आपको यह समझना जरूरी है कि अगर आप अपने संबंध में स्थिर हैं, तभी अगर आप पर बेहतर कल में के लिए भी अपनी ऊर्जा में बेहतर ढंग से क्रियात्मक कर पाने में सक्षम भी होने वाले हैं। और आज के दिन जो लोग सेवा क्षेत्र में है वे अपनी आय में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप सब खुल कर भी अपने विचारों को आवाज दें और खुद सुनिश्चित रखें।